नमस्कार दोस्तों, नेपाल के क्रिकेट जगत से दो दो बड़ी खुशखबरी आई। जी हाँ, एक तो बिल्कुल ऐतिहासिक रही क्योंकि नेपाल के अंडर 19 टीम ने कमाल ही कर दिया और सऊदी अरेबिया को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। आपको भी बताएंगे तो आप भी शॉक हो जाओगे, वो तो मार्जिन है 302 रन का। जी हाँ, नेपाल की अंडर 19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रन बनाए 8 विकेट खोके 50 ओवर में और उसके बाद सऊदी अरेबिया को 19.1 ओवर में मात्र 46 रन पर ऑल आउट कर दिया और जीता इस मैच को 302 रन से। तो ये एक ऐतिहासिक जीत नेपाल के अंडर 19 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम रही। दूसरी बड़ी जीत रही नेपाल वर्सेस हांगकांग का भी मैच था, जो कि ट्राई नेशन सीरीज है उसका मैच था, जिसमें नेपाल वर्सेस हांगकांग का मैच हुआ। नेपाल ने पहले गेंदबाजी की और नेपाल ने हांगकांग को 94 रन पे महज ऑल आउट कर दिया, यानी 10 विकेट ले लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा विकेट लिए स्टार गेंदबाज करण केसी ने, जिन्होंने पूरे 4 विकेट चटकाए। 2 विकेट सोमपाल कामी ने और बाकी सभी ने 1 विकेट, और गुलशन झा को विकेट नहीं मिला क्योंकि 2 ही ओवर उनसे कराए गए थे। फिर आई बारी बैटिंग करने की, तो कुशल भुरतेल ने 8 रन बनाए, जल्दी आउट हो गए। आसिफ शेख ने 42 रन बनाए और अपना विकेट दे बैठे हाफ सेंचुरी से पहले, और कुशल मल्ला मात्र 1 रन पे आउट हुए, वो भी काफ़ी अर्ली आउट हुए। संदीप जोरा 3 रन बनाकर आउट हुए और रोहित पौडेल ने पूरे 25 रन बनाए, साथ ही साथ गुलशन झा ने उनका साथ दिया और 14 रन बनाए। तो ये पार्टनरशिप लास्ट तक रुकी और ये दोनों ही नॉट आउट रहे और नेपाल को जीत दिलाई। नेपाल टोटल 99 रन बनाया 4 विकेट खोके 13.5 ओवर में, और इसी के साथ दूसरी बड़ी जीत ये भी नेपाल के नाम रही। तो कैसी लगी आपको नेपाल की दोनों ही टीम की परफॉर्मेंस, और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा अपनी टीम के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, और कांग्रेचुलेट जरूर करिएगा उनको।